आज की ये जो साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल है वो बिगनर्स और जो साड़ी पहनते आ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक ऐसी साड़ी है जिसको रोज़ाना पहनने वाले लोग भी कई बार हैंडल नहीं कर पाते। बहुत आसान सी टिप्स मैं लेकर आई हूँ आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर साड़ी आपको पसंद आ रही है, मैंने मीशो से परचेज़ की है लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये स्टॉक में है या नहीं, अगर होगी तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जो शेपियर पेटीकोट होता है वो काम कैसे करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो आपको स्लिम लुक देता है, क्योंकि थाइस की चर्बी और जो कमर का हमारा चर्बी है वो उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो अगर आप पहनना चाहते हो ऐसी साड़ियों के अंदर शेपियर पेटीकोट, डेफिनेटली आप पहन सकते हो, क्योंकि उसमें ना कमर के पास डोरी और इलास्टिक बैंड दोनों ही होता है, तो ऐसी हेवी साड़ी को हैंडल करना और ईजी हो जाता है ऐसी पेटीकोट्स में। तो यहाँ पे मैंने बेसिक राउंड लगाया है। अगर आपको हील्स पहनना है तो पहले आप अपनी हील्स पहन लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी बॉटम साइड की जो बेसिक राउंड मैं यहाँ पे टक कर रही हूँ उसकी कुछ लेंथ आप चाहो तो हील को भी हाइड करके उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको इस ऐसी साड़ी को पहन करके मंदिर जाना है तो अगर आपको हील उतारनी पड़ेगी तो वो लेंथ आपका चलने लायक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी फुटवेयर नहीं निकालनी है तो फिर आप फुटवेयर ऐड करके पहनिए ये साड़ी, नहीं तो आप स्लीपर पहन करके साड़ी ड्रेप कर सकती हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी पल्लू की साइड पे। तो हमें अगर कंधे के लिए भी प्लीट बनानी है तो ऐसी बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ आती है इनमें प्लीट्स बनाना बहुत ईजी होता है। और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी भी साड़ी की बॉर्डर में मोतियों का काम किया हुआ है तो उसको हाइड मत कीजिएगा। अपनी पहली प्लीट जो आप देख रहे हो, जो सबसे पहले मैंने उठाई है, उसकी कॉर्नर थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इसको यहाँ पे ले लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा थिक प्लीट गैदर हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए हम सबसे पहले तो आगे और पीछे की प्लीट छोड़ेंगे और बीच वाले जितने भी प्लीट हैं उनमें हम क्लिप लगाएंगे। ये यू क्लिप है जो आपको मीशो ऐप पर मिल जाएगी, अमेजोन पर भी मिल सकती है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अब जो नीचे का जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो चुका है वहाँ की फैब्रिक को हम पकड़ेंगे और सभी फैब्रिक को पकड़ करके हम ऊपर से एक और यू क्लिप लगा देंगे। तो कोई सेफ्टी पिन यूज़ नहीं किया है हमने और पूरी प्लीट्स हमारी इकट्ठा यहाँ पे आ चुकी है। तो जब हम अपनी लॉन्ग पल्लू लेंगे ना तो ये ज़्यादा फैली हुई नहीं दिखेगी। कई लोग यहाँ पे ना धागे की एक स्टिच लगाना भी पसंद करते हैं, तो अगर आपके पास यू पिन नहीं है आप एक धागे की स्टिच लगा दीजिए। अब जो भी प्लीट्स हमने गैदर किया था ना, कुछ हद तक कुछ लेंथ यहाँ पे हम एज इट इज़ गैदर करेंगे और पल्लू को यहाँ पे हम रखेंगे अपने कंधे पर। तो ये मैंने इतना लेंथ निकाला है। अगर साड़ियों में काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई है, बॉर्डर हेवी है, तो आप घुटने तक की लेंथ रख सकते हो, उसमें आपकी हाइट दबी हुई नहीं दिखेगी। अब हम अपने कंधे पर एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन के लिए सबसे स्मॉल साइज़ वाली सेफ्टी पिन ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई यू क्लिप हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारा बॉर्डर में आप देख सकते हो मोतियों का काम किया हुआ है, तो वो मोती निकलने के चांसेस हैं, नहीं तो साड़ी के जो ये थ्रेड वर्क आप देख रहे हो वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम सेफ्टी पिन ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर का बहुत सुंदर काम है तो इसको हम हाइड नहीं करेंगे, वरना इसका जो लुक है वो ज़्यादा हमारी साड़ी में नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए हम एक यू क्लिप लेंगे और केवल ऊपर की ये जो बॉर्डर है, बाहर साइड वाली बॉर्डर, उसको लेकर के जितनी भी प्लीट्स हैं उन सबको लेकर के यहाँ पे यू क्लिप लगा देंगे। केवल जो अंदर में ये पहली बॉर्डर है हमारी उसको छोड़ देंगे हम, और इस तरीके से सामने की तरफ लुक बहुत सुंदर आएगा। फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। कंधे के लिए अगर आप पतली पतली ढेर सारी प्लीट्स बनाते हो ना, वो आपको काफ़ी स्लिम लुक देता है। कमर के पास सेटिंग करने के लिए हम अपनी फैब्रिक की लेंथ मेज़र करके इनको निकाल देंगे, और उसके बाद जो हमारी सेंटर प्लीट बनाने के लिए फैब्रिक बच रहा है, अब केवल एक लास्ट स्टेप ये बाकी रह गई है जिसको हमें अरेंज करना है। बाकी सेटिंग के लिए अभी कमर वाली जो फैब्रिक है वो लेंथ अभी हमने छोड़ कर रखा है। तो सेंटर प्लीट बनाने के लिए ऐसी हेवी बॉर्डर वाली साड़ियों में आप पहले ना राइट की फर्स्ट प्लीट बना लीजिए, इसको टक कर दीजिए और फिर उस लाइन को पकड़ते हुए नीचे की बॉर्डर को आप पकड़ के उठा लीजिए। अब बॉर्डर जो आपके सामने है, जो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, वहाँ से प्लीट अरेंज करना शुरू कीजिए। कैसे आप करोगे? हाँ, यहाँ पे आपकी जो प्लीट बनाने का तरीका है थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। आप मेरी उंगलियों को यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, जिस तरीके से हम ऊपर यूज़ करते हैं उसको हमें नीचे नहीं करना होगा। तो बस नीचे से ऊपर इस तरीके से हम प्लीट्स इकट्ठा कर लेंगे। और हाँ, नीचे की साइड से
प्लीट्स की चौड़ाई आप बिल्कुल बराबर रखिएगा, ठीक है, और चौड़ी ही रखिएगा। इसके बाद अभी हेयर स्ट्रेटनर अगर आपके पास है, वैसे तो अभी आप जान ही रहे हो हेयर स्टाइलिंग के लिए हर किसी के पास अवेलेबल होती है ये चीज़, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी प्लीट्स को अरेंज करने के लिए और इनको प्रॉपरली बैठाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ठीक, मैंने भी वही किया है, प्लीट्स को, प्लीट्स की जो क्रीज लाइंस हैं उनको बैठाना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक बार इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब ऊपर के साइड पे जितनी भी आपकी फैब्रिक है उनको बराबर से मिलाइए और वन बाय वन जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है उसको बस मेंटेन कर लीजिए, और जितनी भी प्लीट्स नीचे बनी है उतनी ऊपर बना लीजिए। प्लीट्स बनने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हो, ऊपर से नीचे तक हमारी प्लीट्स एक जगह पर एक बराबर आ गई है। अब सिंपली हमें इनको टक करना है, तो जैसे नॉर्मल साड़ियों में हम करते हैं, ठीक इसमें भी हम हर एक प्लीट्स के बीच में थोड़ी गैप मेंटेन करेंगे, देन इनको ठीक अपनी बेली बटन के पास टक करेंगे। कमर के पास ये जो बॉर्डर लाइन है हमारा, इसमें मोतियों का काम किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये भी आपके कमर वाली फैब्रिक में आ रही है, वैसे ये लेंथ मैं चाहती तो और इसको पल्लू में निकाल सकती थी, लेकिन अब ये कमर के पास आ गई है तो हम नॉर्मल इसकी टक लगा देंगे। कोई भी ट्विस्टिंग नहीं करनी है फैब्रिक की, नॉर्मल बेसिक राउंड में जैसे हमने फैब्रिक टक किया था उसी तरीके से करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गई है उसको भी नॉर्मली हम टक करेंगे। अगर नीचे सामने की प्लीट्स में अगर काफ़ी ज़्यादा वेट आ रहा है और आपको लग रहा है कि प्लीट्स आपकी कभी भी निकल सकती है, खुल सकती है, तो एक एक्स क्लिप और आती है, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और वो अलग अलग डिज़ाइंस में आती हैं, तो आप ऐसी क्लिप सर्च कीजिएगा और इसको ठीक अपनी सेंटर प्लीट के ऊपर लगा दीजिएगा। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, कितना भी कुछ हो जाए वो प्लीट निकलने नहीं देगा। तो इस तरीके से आप अपनी ऐसी हेवी साड़ियों की ड्रेपिंग आसानी से कर सकते हो और ये पूरे दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।